वर्ष 2020 का पास्का जागरण समारोह में आप सबों को हार्दिक स्वागत है। मान्यवर फादर रेबेजियस, सभी सिस्टरगण और पल्ली के सभी माता पिताओं तथा सभी भाई बहनों, इस वर्ष का पास्का जागरण समारोह अन्य वर्ष से भिन्न है, या तो कहें कि यह खास है। आज सिर्फ 5 व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं और बाकी 5,800 की आबादी अपने अपने घरों में रहते हुए पास्का जागरण कर रही है। यह सिर्फ बंडामंडा पल्ली की बात नहीं है, लेकिन पूरे देश की गिरजाघरों में सन्नाटा है। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के परिस्थिति में आज हम अपने परिवार में सिमटे हुए हैं, लेकिन प्रार्थना में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइए हम हमारे देश और विश्व के सभी लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें, कोविड-19 से संक्रमित लोगों के लिए प्रार्थना करें, सभी डॉक्टर्स, नर्सेस और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पुनर्जीवित यीशु से प्रार्थना करें। सरकार और पुलिस प्रशासन तथा लॉकडाउन के कारण विपत्ति में पड़े लोगों के लिए प्रार्थना करें, हमारे पल्ली के सभी परिवार के लिए प्रार्थना करें। अभी हम ज्योति की धर्म विधि को शुरू करते हैं। आइए नई आग जो ख्रिस्त की नई उपस्थिति और पास का मोमबत्ती जो पुनर्जीवित प्रभु के प्रतीक हैं, हम इनकी आशीष करें। पिता और पुत्र परमात्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। प्रिय भाइयों और बहनों, आज की पावन रात्रि में हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त मृतकों में से जी उठे, इसलिए कलीसिया संसार भर के अपने सब पुत्र पुत्रियों को बुलाती है कि हम भक्तिपूर्ण प्रार्थना से यह पुण्य जागरण मनाएं। यदि हम प्रभु के वचन सुनकर और उनके बलिदान में भाग लेकर पास्का रहस्य का स्मरण करते हैं, तो निस्संदेह हम उन्हीं के भांति मृत्यु पर विजय पाएंगे और पिता ईश्वर के संग जीने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र के द्वारा विश्वासियों को अपने दिव्य अग्नि प्रदान की है, इस नई आग को पवित्र कर और हमें ऐसे कृपा दे कि पास्का महोत्सव मनाने में हम सबों में स्वर्गीय अभिलाषाएं प्रज्वलित हो। इसके फलस्वरूप हम अनंत जीवन के उत्सव में शुद्ध मन से सम्मिलित हो सके हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। जैसे कल थे वैसे ही आज हैं, सबका आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा। उनके अधिकार में हैं काल और युग चक्र, उन्हीं की महिमा और सत्ता युगानुयुग बनी रहे। प्रभु ख्रीस्त अपने पावन और तथापि घाव द्वारा हमें सुरक्षित रखें
और संभाले। कृष्ण की ज्योति ईश्वर को धन्यवाद। ज्योति ईश्वर को इसकी ज्योति ईश्वर को धन्यवाद। स्वर्ग के सब प्राणी आनंद मनाए इस महान राजा की विजय पर। कलेश्या भी इस ज्योति से विभूषित होकर आनंद मनाए और यह मंदिर जनता के जय जयकार से गूंज उठे। हे प्रिय भाइयों बहनों, आप इस स्वर्गीय ज्योति की अपूर्व प्रभा के साक्षी हैं। कृपया मेरे साथ सर्वशक्तिमान और दयालु परमेश्वर से प्रार्थना करें। उसने मुझ अयोग्य को अपने वेदी स्वभोग में गिनती की कृपा की है। अब वह मुझे अपनी ज्योति से भर दे जिससे मैं इस पास का मोमबत्ती का गुणगान कर सकूं। प्रभु आप लोग उनके साथ हो। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। यह वास्तव में हमारा उचित कर्तव्य है कि हम दृश्य परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता का और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्राइस्ट का हृदय और मन की पूर्ण भक्ति के साथ ऊंचे स्वर से गुणगान करें, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए शाश्वत पिता को आदम का ऋण चुकाया और अपने पवित्र लहू से प्राचीन पाप का तम सुख मिटा दिया है। यही वास्तविक पास्का का उत्सव है जिसमें सच्चा मेमना चढ़ाया जाता है
जो अपने भक्तों के चौखट पर अपना लहू पोत कर उनको सुरक्षित रखता है। यह वही रात है जिसमें तूने हमारे पूर्वजों को इसराइल की संतान को मिस्र से निकाल लिया और उसको सूखे और लाल समुद्र पार लगाया। यह वही रात है जिससे प्रकाशमान बादल द्वारा पापों का अंधकार भगा दिया है। यही रात आज पृथ्वी भर के ख्रिस्त भक्तों को संसार की बुराई और पाप के अंधकार से निकलकर कृपा दिलाती है और संतों के सत्संग में सम्मिलित करते हैं। यह वही रात है जिसमें विजयमान ख्रिस्त मरण के बंधनों को तोड़कर कब्र में से जी उठे हैं। यदि हमें मुक्ति ना मिलती तो हमारे जन्म का क्या लाभ होता। आहा, हमारे प्रति तेरी दया अपूर्व है, अकथनीय है तेरा प्रेम। दास को छुड़ाने के लिए तूने पुत्र को भी दे दिया। आदम का पाप इसलिए आवश्यक था कि वह ख्रिस्त के मरण से नष्ट कर दिया जाए। धन्य है वह अपराध जो इतने महान मुक्तिदाता के योग्य ठहरा। धन्य है यह राह यही जानती है कि किस समय किस घड़ी ख्रिस्त में से जी उठे। यह वही रात है जिसके विषय में लिखा है, रात दिन के समान चमकेगी और रात ही मेरी ज्योति और मेरा आनंद है। यह पवित्र रात बुराई को भगा देती है और पापों को धो डालती है। यह पतितों को निर्दोषता और दुखियों को आनंद प्रदान करती है। यह बैर को दूर करती, मेल मिलाप कराती और घमंडियों को झुकाती है। हे पवित्र पिता, इस धन्य रात में इस मोमबत्ती के संध्या पूजा स्वीकार कर परम पावन कलिसिया अपने सेवकों द्वारा समारोह के साथ तुझे परिश्रमी मधुमक्खी के मोम से बनाई हुई यह बत्ती चढ़ाती है। अब हमने इस बत्ती का गुणगान सुन लिया जो परमेश्वर के आदर में प्रकाशमान होकर जल रही है। इसकी आग में बहुत सी बत्तियां जलाने पर भी इसकी ज्योति कम नहीं हो हुई है, क्योंकि यह पिघलते हुए मोम से पोषित होती रहती है, जिसे मधुमक्खी ने इस अमूल्य बत्ती के लिए तैयार किया है। सचमुच धन्य है यह राह जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी ईश्वर और मनुष्य एक होकर मिल गए हैं। हे प्रभु, हम तुझसे विनती करते हैं, ते आदर में प्रतिष्ठित यह मोमबत्ती इस रात का अंधकार दूर करने के लिए निरंतर जलती रहे। यह मधु सुगंध के समान तेरे द्वारा स्वीकृत होकर आकाश के तारों से जा मिले। प्रभात का तारा इसे जलते पाए, वह प्रभात का तारा जो कभी नहीं डूबती, हमारे प्रभु ख्रिस्त पुत्र जो अधोलोक से लौट कर मानव जाति पर उदित हुए और युगान युग जीते और राज करते हैं।